पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए 3 दिन के बैन के बाद मुरादाबाद गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मंच से अपना दर्द बयां करते हुए मुरादाबाद के वोटरों को डराने का काम किया और मीडिया पर भी जमकर भड़ास निकाली। आजम खान ने मंच संभालते ही अपने आप को असहाय बताते हुए उनके ऊपर जुल्म हुआ है वो आगे बोले कि मैं किसी तकरीर के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना दर्द लेकर आया हूँ। यहाँ गैरों से कम अपनों से ज्यादा दर्द मिलते हैं। मैं डराना चाहता हूँ, आज के हालात से आपका वजूद भी खतरे में है और इतनी बड़ी साजिशों के तहत जबान बंदी की गई और रामपुर में उर्दू दरवाजा महज इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वो आपकी जुबान है, वो काट दी जाए, पानी की टंकी गिरा दी जाए। लेकिन जो लोग इतने बड़े जालिम हों, हजारों बच्चों के पानी का कनेक्शन काट दिया गया, ये आलम है दरिंदगी का। मुझे मालूम है 1980 की दरिंदगी जो यहाँ पर ईदगाह पर हुई थी, आज ये हमारी मजबूरी है, हम कुछ याद नहीं दिलाना चाहते। ये कहने आए हैं आपकी गलफत से हम जैसे लोगों को सजा मिलेगी। यही हाल हर कमजोर लोगों के साथ होने जा रहा है। इस वक्त में मुल्क में 2 विचारधाराएं हैं, एक बापू के साथ हैं और एक विरोध में है। ये चुनाव ये तय करेगा। मुझे ये ऐतराज नहीं कि मुझे कोई क्या कहे, इन मीनारों की हिफाजत करो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या औकात है, आप लोगों की सोचने की बात है। दुश्मन एक हो गया तुम्हें बर्बाद करने के नाम पर, ये पहला मौका है, अगर हाथ से निकाल दिया तो हाथ मलते रह जाओगे। अंदाजा लगाओ उनकी तैयारी क्या है, मैं तुम्हारी गैरत हूँ, अगर ये मेरी गलती है तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। इंसाफ करने वालों इंसाफ करो, और अगर इंसाफ नहीं करोगे तो फिर इंसाफ आसमान वाला करेगा, और जब वो आसमान वाला इंसाफ करेगा तो कुछ और अंजाम याद करो, अंजाम का क्या हुआ था। तेज हवाएं चलेंगी, जमीनें फट जाएंगी और लोग खत्म हो जाएंगे। आप भी अपने साथ इंसाफ करो, और जालिमों से कहता हूं कि आप भी इंसाफ के रास्ते पर आओ। वो नहीं सुधरने वाले हैं, वो ना सुधरे, आपको सुधरो। मैं इस हालत में भी आपके पास आया, अपना इलेक्शन छोड़कर आया हूं। 3 दिन की पाबंदी के बाद मुझे चाहिए था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलता, उन्हें खिताब करता, लेकिन सुबह 10 बजे पाबंदी खत्म हुई है और आज मैं आपके पास आया हूं। इसीलिए आया हूं कि अपने साथ ज्यादती मत करो, बिरादरियों में अपने आप को तकसीम मत करो, और कांग्रेस पार्टी जो आपके वोट को बांट रही है यहां, आप अच्छी तरह जानते हो कांग्रेस नहीं जीत रही है, और जब नहीं जीत रही है तो फिर चांदी पर बर्फ लगाकर घूमत खाओ, अगर जिंदगी खाना है तो सूझे खाओ। कि बेजान कंक्रीट का बना हुआ एक दरवाजा जिसका नाम उर्दू दरवाजा था, आपके पड़ोस के जिले में आपकी तहसील की अलामत थी। हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के हजारों साल सैकड़ों साल के रिश्तों की आज़ादी का नारा इंकलाब जिंदाबाद, उसकी अलामत रघुपति सहाय फिराक गोरख हुई उर्दू के बड़े शायर की अलामत, प्रेमचंद उर्दू के अफसाना निगार की अलामत, महज इसलिए गिरा दिया गया कि लोग ये समझते हैं उर्दू जबान आपकी है। आपकी जबान काट दी जाए, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें गिरा दी जाए, पानी की टंकी जिसकी जमीन यूनिवर्सिटी ने दी थी और ये वायदा हुआ था हुकूमत से कि यूनिवर्सिटी के बच्चों से पानी का पैसा नहीं लिया जाएगा। लोग कहते हैं कि मैदाने करबला में इमाम हुसैन के साथियों ने वजू किया था, लिहाजा ये रिवायत मौजूद है कि मुमकिन है मैदाने करबला में पानी रहा हो इतना कि वजू किया गया और नमाज पढ़ी गई। लेकिन जो लोग
इतने बड़े सालिम हो कि हजारों बच्चों जिनमें 35% हिंदू बच्चे बच्चियां भी हैं, 70% असातजा हैं, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। चार चार साल के मासूम बच्चों के कान पकड़कर उन्हें कुर्सियों से उठाकर उनके कानों से टांग दिया गया। ये आलम हुआ है दरिंदगी का। अगर आप भूल गए हैं तो आपको हक है भूलने का। मुझे 1980 का युद्ध का मैदान याद है। मुझे याद है कटघर के थाने में मासूम बच्चों के और खुरालू जूते की तादाद कितनी थी। मुझे आज भी याद है कि मैं सनसी में जब यहाँ रिलीफ का सामान लेकर आता था तब मुझे और मेरे साथियों को क्या सुनने को मिलता था। आज ये हमारी मजबूरी है कि हम बहुत सी बातों की आपको याद नहीं दिलाना चाहते। हम आपसे मुरादाबाद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, मेरठ और मलियाना की याद नहीं दिलाना चाहते आपको, भिवंडी की याद नहीं दिलाना चाहते, लेकिन हम ये आपसे कहने के लिए आए हैं कि अगर आप किसी तरह की गफलत में रहे और किसी तरह की आपसे कोताही हुई तो शायद आपको वो सजा नहीं मिलेगी जो सजा हम जैसे लोगों को मिलेगी। और आप हमारी जो सजा मिलेगी उस सजा को सुनकर नरस जाएंगे। हम कितने इम्तिहान से गुजर रहे हैं आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। गुजरा है जो मिल्लत फरोशी का हो। मेरे जिस्म में एक बूंद भी हराम की नहीं है। मुझे जो कुछ मिला मैंने तुम्हारी नस्लों के लिए तैयार किया। वही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। इनकी मंशा यह है कि अगर निजाम न बदला तो मेरे बच्चों के स्कूल और मेरी यूनिवर्सिटी के बुलडोजर चल जाएंगे। बच्चों के जान देने के लिए अपनी आप के लिए अपनी नस्लों का कल बचाइए। मोदी जी ने सफाई अभियान की झाड़ू आपके हाथ में देना चाहिए। मैं आपके हाथ में आपकी नस्लों और बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूँ। झाड़ू चाहिए या कलम चाहिए, उर्दू दरवाजा जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार आपसे मुतालबा करती है कि एक हो जाओ। अगर एक ना हुए तो फिर कभी उर्दू दरवाजा नहीं बन पाएगा। अगर एक नहीं हुए तो यूनिवर्सिटी की दीवार नहीं बन पाएगी। तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम नहीं आ पाएगा, इसलिए एक हो जाओ। इंशाल्लाह सब एक होंगे। ताकत बन जाओ और इंकलाब पैदा कर दो। सुबह निकलो डॉक्टर साहब को इतना वोट डालो कि हर साजिश में काम हो जाए और इन वोट के टब्बों को एहसास दिला दो कि ईदगाह की मैदान के खून के धब्बे आज भी ताजे हैं, उनकी कब्रें मासूमों की आज भी इसी कब्रिस्तान में है और उनके माँ बाप की आहें आज भी उस निजाम को बदगुवा देती हैं जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ। तकसीमत होना नहीं हो, तकसीमत होना और एक एक वोट साइकिल के निशान पर डॉक्टर तस्वीर से आपसे उन मजालिम के बदले में अपना गांव खड़ा कर देता हूँ। अरे ताज़े में तो मज़ा तेज़ किया जाए।